पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के एक दिन बाद पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने आज कोविशील्ड वैक्सीन के नए रेट जारी किए हैं। इसके मुताबिक प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के लिए अलग अलग दाम तय किए जाएंगे। अब प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपए और सरकारी अस्पतालों में 400 रुपए में दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान में भारत सरकार ही देश में सभी वैक्सीन की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करती है। पहली और दूसरी डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का अंतर होता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने जारी बयान में कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को ये वैक्सीन 250 रुपए में दी जा रही थी। वहीं सरकारी अस्पतालों में यह 400 रुपए में दी जाएगी। यानी सरकारी अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 400 रुपए तो प्राइवेट अस्पताल में 600 रुपए देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सीरम ने अपने जारी बयान में कहा, अगले 2 महीनों के लिए टीके के उत्पादन को बढ़ाकर सीमित क्षमता को संबोधित करेंगे। आने वाले दिनों में हमारी क्षमता के 50% को भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम में परोसा जाएगा। वहीं राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपए होंगे और केंद्र को पहले की ही तरह ये वैक्सीन 150 रुपए में मिलती रहेगी।